अरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग आ गए हैं आज फिर से इंटरनल कम्बशन इंजन का करने। कुछ दिन लेक्चर्स वगैरह का प्रॉब्लम थोड़ा रहा है, इसे मिटा रहा हूँ। फिर से सुंदर से लिख रहा हूँ, अच्छा नहीं लिखा था। तो अब हम लोग वापस कंटिन्यूएशन में आ गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का कंटिन्यूएशन चलता रहे, अच्छे से काम होता रहे, लेक्चर सब सिलेबस समय पर कंप्लीट हो जाए। पूरा प्रयास करें अपनी ओर से और भगवान के आशीर्वाद से कुछ अड़चन ना आए, तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटो साइकिल, उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो उससे पहले इम्पोर्टेंट सूचना ये कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब वाला, वो दबा दीजिए। उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन वाले से क्या होगा कि जब भी कोई मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, तो इससे आपका लॉस नहीं होगा। और वीडियो पसंद आता है थम्सअप दीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो पसंद नहीं आता डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुँचे और सबका कल्याण हो। ठीक है, प्रारंभ किया जाए। तो ये ऑटो साइकिल, अरे मैं ऑटो साइकिल लिख दिया, ये ऑटो साइकिल नहीं पढ़ेंगे हम लोग आज, पढ़ेंगे हम लोग डुअल कम्बशन साइकिल। आई एम वेरी सॉरी, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डुअल कम्बशन साइकिल। ऑटो तो हम लोगों ने कर लिया था, डुअल कम्बशन साइकिल। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका हम लोग करेंगे तो पहले इसका हम लोग पीवी डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग प्रोसेस देखेंगे कौन कौन सा है, फिर टीएस डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, और इसका पीवी डायग्राम ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया आपका इसका पीवी डायग्राम। और इसका जो टीएस डायग्राम होगा वो ये बनेगा, टी और एस। टी एस डायग्राम कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5। सब ब्लू से बनाना चाहिए था, मैंने रेड से कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें कोई वो नहीं है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं इसमें, ये वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो डेवेटिक है, और ये पी वी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट है, ये भी पी वी टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये हम लोग का है, बाकी सब तो वही है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग प्रोसेस वगैरह लिखते हैं कौन सा है। तो प्रोसेस जो है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो हम लोग प्रोसेस देखते हैं। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एक कंप्रेशन। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। 2 से 3 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, रिवर्सिबल ही है सब, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ठीक है, और कुछ हीट आपका इसपे भी आएगा, तो हीट जो है आपका इधर से भी आ रहा है क्यू एडिशन, और कुछ इधर से भी आ रहा है क्यू एडिशन, और रिजेक्शन हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन HR, और 4 से 5 क्या रहेगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, और 1 से 5 से 1 क्या रहेगा, 5 से 1 रहेगा, यहाँ पे साइकिल बनेगा। तो 5 से 1 हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हीट एडिशन होगा यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये होगा, ये हमारे प्रोसेसेस हैं। आपको समझ में तो आ ही गया होगा पिछले प्रोसेसेस का, अब पिछले साइकिल का आपका एक्सपीरियंस है। तो ये हमारा डुअल कम्बशन साइकिल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को एफिशिएंसी का डेरिवेशन करना है, तो ये हम लोग मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, हम लोग का अभी काम करना ही है। और इसका एफिशिएंसी बहुत लंबा जाने वाला है डेरिवेशन, तो हम लोग प्रयास करेंगे कम में अट जाए, नहीं होगा तो मिटा मिटा के काम करेंगे और हम लोग उसको ड्राइव करेंगे फिर वर्क का और वो प्रेशर का। तो ऐसा है कि अब तो ये सब जो डेरिवेशन है,
कन्वेंशनल में आना है, कन्वेंशनल के पहले हमें ऑब्जेक्टिव निकालना होगा, तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव के अनुसार चलते हैं। कन्वेंशनल के समय हम लोग कन्वेंशनल का देखेंगे कि हम लोग कैसे तैयारी करना है, तो इसलिए मैं बुक से कराऊंगा इसको, देख देख के कि जल्दी भी हो और अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, तो और गलती भी ना हो इसलिए। और जब कन्वेंशनल के अनुसार चलेंगे तो हम लोग कन्वेंशनल के हिसाब से इसको पूरा ढंग से करेंगे कि याद रहे कैसे कैसे करना है, और जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मैं बुक की पूरी सहायता लूँगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो हम लोग पहले तो 1 किलोग्राम ऑफ एयर मान लेंगे कि किसी एयर का मोशन साइकिल में है, तो अब क्या करेंगे कि टोटल हीट सप्लाइड, तो QS, तो QS दो जगह से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है और यहाँ से, ये A लिखा है, इसको आप S लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, QS हीट सप्लाइड, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, टोटल हीट सप्लाइड क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम का CV T3 माइनस T2 प्लस CP ऑफ T4 माइनस T3, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए अलग अलग वो यूज़ किया है। और हमें पता है कि हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है, हीट रिजेक्शन जो हो रहा है हमारा वो हो रहा है CV कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है T1 माइनस T5। और हम लोग को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है फिर उसके बाद उससे एफिशिएंसी, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपका हीट रिजेक्टेड, वर्क डन हो जाएगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो क्यू ब्लैक का भी थोड़ा यूज़ कर लेना चाहिए तो सुंदर लगेगा, वर्क डन हो जाएगा आपका क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड, ये हो गया। तो हम लोग इसको वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिख देते हैं, क्या आएगा वर्क डन का सप्लाइड, तो CV T3 माइनस ये CV T3 माइनस T2 और प्लस CP T4 माइनस T3 और माइनस CV T1 माइनस T5, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क डन। और एफिशिएंसी क्या हो जाती है हमारी, एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड QS, तो ये हो गया हमारा तो वर्क डन ये हो गया, तो CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3 और माइनस CV T1 माइनस T5 और अपॉन जाएगा आपका ये CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3, ठीक है, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको थोड़ा और फर्दर शॉर्ट किया जाए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन खींच लेते हैं जिससे हमारा पढ़ने में कोई कठिनाई ना आए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो एफिशिएंसी का क्या क्या हो जाएगा कि वन माइनस CV T1 माइनस T5 अपॉन CV T3 माइनस T2 T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हम लोग का आ गया ऐसे। और हम लोग क्या करेंगे कि सिंस ब्लैक का भी थोड़ा यूज़ कर लेना चाहिए, सिंस गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, इसका हम लोग उपयोग कर लेंगे। और तो ये CP ये नीचे है, CV ऊपर है, तो ये 1/γ हो जाएगा और यहाँ यहाँ CV कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस CV से CV कैंसिल हो जाएगा T1 माइनस T5 अपॉन T3 माइनस T2 प्लस गामा T4 माइनस T3, ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी का मूल फॉर्मूला यही है टेम्परेचर के टर्म्स में, हम लोग को इसको प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना, प्रेशर रेशियोज़
अलग अलग रेशियोज आएंगे, वॉल्यूमेट्री रेशियो, प्रेशर रेशियो, सब आएगा। हाँ, और कौन सा रेशियो आएगा आपका, एक रेशियो आएगा आपका कट ऑफ रेशियो, ये सब के टर्म्स में लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर रेशियो जानते हैं। प्रेशर रेशियो क्या होता है, तो प्रेशर रेशियो होता है आर, और ये क्या हो जाता है, प्रेशर रेशियो हो जाता है आपका वी टू अपॉन वी वन अपॉन वी टू, वी वन अपॉन वी टू होता है, ठीक है। और बाकी रेशियोज भी यहाँ लिख दिया जाए और आगे तो आवश्यकता पड़ेगी। और आपका एक होता है ठीक है, आगे हम लोग उसके अनुसार लिखेंगे जैसे जैसे आते जाएगा। तो ये हो गया, और हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका यूज़ करेंगे, प्रोसेस वन से टू लिखते हैं। तो प्रोसेस प्रोसेस वन से टू के लिए, वन से टू के लिए जी, वन से टू के लिए हम लोग देखते हैं। और ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, और ये क्या है, कंप्रेशन है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, ठीक है। प्रोसेस वन से टू का हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है, ये होता है, तो इसमें इसी से लिखेंगे टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू टू द पावर गामा माइनस वन। अब मैं बुक अपने हाथ में लेके कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे थोड़ा थोड़ा स्लो हूँ, मतलब इसकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है मेरी, अभी हो जाएगी, जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग के साथ स्पीड में करेंगे अभी यही। तो ये आर टू द पावर गामा माइनस वन हो गया। अब क्या करेंगे कि ये तो हो गया, अब आ रहा है हमारा प्रेशर नंबर प्रोसेस नंबर टू से थ्री। तो प्रोसेस टू से थ्री, ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर टू, इसको हम लोग यूज़ करेंगे वन में। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, और इसे हम लोग मान लेते हैं वन, ठीक है, क्योंकि वन में हम लोग को ए में डालना है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोसेस टू से थ्री का देखते हैं, प्रोसेस टू से थ्री का हम लोग देखते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस है आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो हम लोग उसका देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमें पता है पी थ्री अपॉन टी थ्री इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू, हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से निकाल लेंगे, और टी थ्री बाई टी टू इज इक्वल टू पी थ्री बाई पी टू, और यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा हम लोगों का जिसे हम लोग कहेंगे बीटा, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। बीटा क्या होगा आपका, पी थ्री बाई पी टू, ठीक, पी थ्री बाई पी टू और टी थ्री बाई टी टू, और इसको हम लोग कहेंगे प्रेशर और एक्सप्लोजन रेशियो, ठीक है। जैसे ये कौन सा रेशियो है आपका, कंप्रेशन रेशियो है, ये है आपका कंप्रेशन रेशियो, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रेशर और एक्सप्लोजन रेशियो, ये हो जाएगा प्रेशर और एक्सप्लोजन रेशियो, ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम लोग इसका आगे का फर्दर देखते हैं कि क्या हम लोग का है। तो ये हो जाएगा इसका टी टू इज इक्वल टू टी थ्री अपॉन बीटा, ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे टू, मतलब हाँ टू मान लेंगे क्योंकि वो ए है, ये हो गया बीटा है, ये बीटा है, इसको हम लोग मान लेंगे टू, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है बीटा, और आइडिया बेटे एक मिनट में पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, मुझे बुलावा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू। अब हम लोग कौन सा प्रोसेस देखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तो प्रोसेस थ्री से फोर, तो ये हो जाएगा आपका प्रोसेस थ्री से फोर, प्रोसेस थ्री से फोर हो गया। और इसमें क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में वी थ्री बाई टी थ्री, वी थ्री अपॉन टी थ्री इज इक्वल टू वी फोर अपॉन टी फोर, ठीक है, वही इधर का उधर है थोड़ा, आप लोग उसको समझ जाइए। और ये हो जाएगा हमारा
क्या कहते हैं, एक और रेशियो का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे ये है बीटा, 3 रेशियो है इसमें, उसको कहते हैं कट ऑफ रेशियो, तो रू कहते हैं कट ऑफ रेशियो। और कट ऑफ रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, V4 बाई V3, ये है, इसको हम लोग कहेंगे कट ऑफ रेशियो। ठीक, अब क्या है कि हम लोग, ये हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, T4 निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ T2 निकाला, यहाँ पे T2 यहाँ से निकाला, यहाँ से T3 निकाला है, तो यहाँ से हम लोग T4 निकालेंगे। इसको सही से लिखा नहीं है, ये होगा एक्चुअली, हम लोग यहाँ से T3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा T3, और यहाँ से हम लोग T2 निकालेंगे, सबको 1 के टर्म्स में रखना है, तो T2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू, यहाँ भी T1 हो जाएगा और इंटू T1। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, T4 निकालेंगे, तो T4 का फॉर्मूला वैल्यू क्या आएगा, T4 आ जाएगा T3 इंटू V4 अपॉन V3, ठीक है, इज इक्वल टू रो ऑफ T3। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो हमारा T2, T4, T3 और T4 तीनों हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जगह ख़त्म हो गया, अब हम लोग इसको मिटा के यहाँ पे करेंगे, फिर ऊपर से मिटाएंगे, पहले इधर का खेल कर ले रहे हैं, फिर उधर का सब होगा। ठीक, साफ हो गया। ठीक है, पहले इधर कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे उस साइड जाएंगे। तो प्रोसेस 3 से 4 हो गया, अब प्रोसेस 4 से 5 में आते हैं हम लोग, प्रोसेस 4 से 5। तो प्रोसेस 4 से 5, ये कौन सा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो 4 से 5 में जो है आपका, ये 4 से 5 में आपका है T4 बाई T5 इज इक्वल टू V5 बाई V4 टू द पावर गामा -1, ये हम लोग का है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, इसको रेशियो के टर्म्स में करना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या होगा, थोड़ा लंबा अच्छा जगह बन गया है, या फिर उपयोग हो जाए तो ठीक है। V5 बाई V4 इज इक्वल टू V1 बाई V4 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इंटू V2 बाई V4 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इंटू V3 बाई V4, क्योंकि V2 और V3 बराबर है, और ये हो जाएगा हम लोग का R अपॉन रो। ठीक, ये अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, R अपॉन रो टू द पावर गामा -1, और हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, T4 निकल चुका है, T5 निकालेंगे, तो T5 क्या हो जाएगा, T4 अपॉन R टू द पावर रो टू द पावर R बाई रो टू द पावर गामा -1 हो गया, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ये 4 इक्वेशन हमारे आ गए। अब चारों को इक्वेशन को, इसके अलावा और कोई इक्वेशन है T1, तो इसमें क्या किया है कि सारे इक्वेशन को T3 के फॉर्म में रख करके रख दिया है। तो ऐसा है कि आप T1 वाले को भी सबको, जैसे ये T4 वाला हो गया आपका, T4 के टर्म्स में है, तो T4 का वैल्यू रो T3 रखेंगे आप, और क्या किया है, T4 बाई T2 इज इक्वल टू T3 बाई बीटा, T3 इसको भी T3 के फॉर्म में हम लोग कर देते हैं। ठीक है, T5 क्या आ जाएगा, रो T3, इसको सबको हम लोग T3 के फॉर्म में कर देते हैं, किसी के फॉर्म में कर सकते हैं लेकिन एक के फॉर्म में होना चाहिए, रो T3 रो बाई R टू द पावर गामा -1, एक हो गया ये T5 का, और क्या है, रो बाई R, ठीक है,
और टी फोर इज इक्वल टू रो टी थ्री है, ठीक है, और टी टू इज इक्वल टू टी बीटा है, ऐसे करके टी टू इज इक्वल टू ये इसको इधर कर दिया गया बाई बीटा हो गया, और इसमें से भी टी वन के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी टी थ्री के फॉर्म में करना है, तो टी टू की जगह हम लोग क्या रख देंगे, टी टू की जगह हम लोग रख देंगे टी थ्री बाई बीटा, तो हम लोग का उसको अनुसार उस अनुसार आ जाएगा, ठीक है। तो वो बन जाएगा आपका इसमें ये यहाँ पे इसको कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टी वन इज इक्वल टू टी थ्री बाई बीटा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, वन अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस वन, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन था, और हम लोग उसको वन ना मान के अब इसको वन मान लेंगे, चाहे उसको वन भी रहने देते कोई बात नहीं है, इसे हम लोग वन मान लेंगे। तो जितना आपका इक्वेशन है सब टी थ्री के फॉर्म में है, टी वन टी फोर टी टू और टी फाइव सब आपका टी थ्री के फॉर्म में है। अब सबको हम उठा के किस में रखेंगे, ए वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मिटाना शुरू कर देते हैं, यहाँ का हमारा काम हो चुका है, ऊपर वाले फॉर्मूला में रखना है तो उसको हम लोग मिटाएंगे नहीं, अभी इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये सब मिटा के हम लोग यहाँ पे जगह बनाते हैं ताकि हम लोग आगे का लिख सकें। ये वाला भी मिटा दिया जाए, आप लोगों ने लिख लिया है, ये तो पॉज करके लिख लीजिए, और क्या, टेक्नोलॉजी का तो यही कमाल है, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग सब उठा के ए में डालेंगे, तो लिटरेचर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग का एफिशिएंसी जो आ जाएगा, डुअल की एफिशिएंसी जो आएगी वो वन माइनस रो टी थ्री इंटू रो बाई आर टू द पावर गामा माइनस वन माइनस टी थ्री अपॉन बीटा इंटू वन अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस वन, ये हो जाएगा अपॉन सब वैल्यूज पुट कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस जो लिखा लिखते जाइए, सही है, ठीक है। टी थ्री बाई बीटा प्लस गामा इंटू रो टी थ्री माइनस टी थ्री, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम लोग वो करेंगे आगे सॉल्व, तो वन माइनस वन बाई आर टू द पावर गामा माइनस वन और रो गामा वन माइनस वन अपॉन बीटा, और ओवरऑल इसके नीचे आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन बीटा प्लस गामा इंटू रो माइनस वन, ठीक है, ये हो गया हमारा अब तक आया। और हम लोग फाइनल इसका एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पे सुंदर सुंदर लिख देते हैं, ब्लैक कलर से घेर लिख के रेड से घेर लेंगे। तो डुअल की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, डुअल की एफिशिएंसी आ जाएगी वन माइनस वन अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस वन इंटू बीटा रो टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन बीटा माइनस वन प्लस बीटा इंटू गामा ब्रैकेट में रो माइनस वन, ये है हमारी डुअल की एफिशिएंसी। तो इसको हम लोगों ने ऐसे अरेंज किया है कि ये वाला टर्म जो है थोड़ा बाहर है ऑटो की एफिशिएंसी में, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सा फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डुअल का आ जाएगा, ठीक है। ये डुअल की एफिशिएंसी हो गई, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम बचा, उसके इस अनुसार स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग ठीक ठाक स्पीड से चलेंगे, बहुत तेज़ नहीं भागेंगे, बहुत स्लो भी नहीं रहेंगे। तो ये हो गया हमारा डुअल की एफिशिएंसी। अब हम लोग को इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है हर बार की भांति, इसको ढंग से सफाई करके हम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने भी शॉर्टकट्स नहीं किया है क्योंकि अब कितना लंबा कोई खींचेगा, और हम लोग को अभी डेरिवेशन वगैरह ध्यान नहीं देना, फार्मूला याद करना है क्योंकि फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग को याद करना है, और हम लोग ये करेंगे डेरिवेशन वगैरह है जब कन्वेंशनल के लिए हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव हमारा क्वालिफाई हो जाएगा तब हम लोग डेरिवेशन वगैरह पे आएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग केवल फार्मूला याद रखना है हम लोगों को, ठीक है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं,
इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए सब खेल करेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला पता है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि सिंस पी मीन, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है पी एम इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, तो डब्ल्यू अपॉन बी स्वेप्ट होगा, डब्ल्यू डी नहीं रहेगा, हम लोग इंजीनियर्स की भाषा में लिखेंगे अपॉन बी एस। ठीक है, ये हम लोग को पता है, यही है ना। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मनुष्यों से ही गलती होती है, जानवरों से भी होती है, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं। तो ये हो गया, सही है हमारा। अब हम लोग वर्क डन का लिखेंगे। तो हम लोग वर्क डन क्या होता है, जो लिखा जा रहा है चुपचाप लिखते जाइए, दिमाग नहीं लगाना है और टाइम नहीं वेस्ट करना है। फॉर्मूला मैटर करता है अंतिम वाला, डेरिवेशन हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग कन्वेंशनल की तैयारी करेंगे, ढंग से देखेंगे। ढंग से क्या, ये भी ढंग से ही है, यही चीज़ होगा, थोड़ा सा टाइम लेके एक्सप्लेन करूँगा और याद करके आके आपके सामने हीरो बनूँगा कि हाँ मुझे पूरा याद है। लेकिन अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम लोग को काम चलाना है, हम लोग को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको हम लोग खेलना इससे शुरू करेंगे। पी थ्री वी थ्री इंटू रो माइनस वन, और एक और चीज़ मैं सारा लिख देता हूँ, पहले रो क्या है आर क्या है ये भी लिख देना चाहिए, और आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू होगा, रो इज इक्वल टू वी फोर बाई वी थ्री, वी फोर बाई वी थ्री होगा, और क्या होगा, एक और हमारा बच जाता है, वो है बीटा इज इक्वल टू पी थ्री बाई पी टू, तो बीटा इज इक्वल टू पी थ्री बाई पी टू। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे यूज सब। तो पी थ्री वी थ्री टू द इंटू रो माइनस वन प्लस पी फोर रो वी थ्री माइनस पी फोर पी फाइव आर वी थ्री माइनस पी टू वी थ्री माइनस पी वन आर वी थ्री आर वी थ्री, ठीक, अपॉन गामा माइनस वन इसके नीचे है, जो हो रहा है बस लिखते जाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच के इधर भी खेल करेंगे। ऑल्सो यहाँ एक स्टेप हो सकता है हमारा, ऑल्सो पी फाइव बाई पी फोर इज इक्वल टू वी फोर, ये वी है गामा नहीं है, वी फोर अपॉन वी फाइव टू द पावर गामा इज इक्वल टू रो अपॉन आर टू द पावर गामा। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे चंदा मामा, एंड ये भी यहीं पे आ जाएगा, एंड पी टू बाई पी वन पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू टू दी पावर गामा इज इक्वल टू आर टू दी पावर गामा। और एक और है तो वहाँ पे लिखेंगे, एंड पी थ्री इज इक्वल टू पी फोर वी टू इज इक्वल टू वी थ्री एंड वी फाइव इज इक्वल टू वी वन वी वन। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग वर्क डन पे आएंगे और वर्क डन का खेल करना है हम लोग को वापस से, इसी सब का यूज़ करके। तो वर्क डन क्या है, वी थ्री पी थ्री रो माइनस वन इंटू गामा माइनस वन प्लस पी थ्री रो माइनस रो टू द पावर गामा आर टू द पावर वन माइनस गामा, और इसके नीचे आ जाएगा माइनस पी टू वन माइनस आर टू द पावर वन माइनस गामा ब्रैकेट क्लोज, टोटल का अपॉन हो जाएगा गामा माइनस वन। ठीक, और इसके आगे फिर अगला स्टेप हो जाएगा पी टू वी टू इन ब्रैकेट खुलेगा बिग ब्रैकेट बीटा फिर ब्रैकेट रो माइनस वन इंटू गामा माइनस वन प्लस बीटा रो माइनस रो टू द पावर गामा आर टू द पावर वन माइनस गामा माइनस पी टू वन माइनस आर टू द पावर वन माइनस गामा और अपॉन गामा माइनस वन।
और इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे ये पी वन इंटू आर टू द पावर गामा इंटू वी वन अपॉन आर बीटा गामा इंटू रो माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन माइनस आर टू द पावर वन माइनस गामा बीटा इंटू रो गामा माइनस वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन गामा माइनस वन। तो अगला स्टेप है पी वन वी वन आर टू द पावर गामा माइनस वन ब्रैकेट बी वाई बी गामा रो माइनस वन अब भी चल रहा है प्लस बीटा माइनस वन माइनस आर टू द पावर गामा माइनस वन बीटा रो टू द पावर गामा माइनस वन सब ब्रैकेट क्लोज अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, अब कुछ मिटा उटा के खेल हो तो हम लोग अब क्या है यहाँ मिटाते हैं, ये यही मिटा देते हैं, यहाँ मिटा के हम लोग करते हैं आगे का। फाइनली यहाँ पहुँच गए लगभग। इसी में हो जाएगा हमारा। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हमारा आएगा वो होगा अभी पी एम इज इक्वल टू हमको पता है वर्क अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी वन आर माइनस वन अपॉन आर। ठीक है, और सेकंड लास्ट स्टेप है ये पी वन वी वन इंटू आर टू द पावर वन माइनस गामा बीटा गामा रो माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन माइनस आर टू द पावर वन माइनस गामा बीटा रो गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन वी वन आर माइनस वन अपॉन आर। और हम लोग अब फाइनल आंसर लिखेंगे, उसके लिए अभी सबको थोड़ा सा साफ कर दूँ, सुंदर लगना चाहिए, जगह अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो पी एम इज इक्वल टू मेन इफेक्टिव प्रेशर जो है रो वन टू आर टू द पावर गामा बीटा रो टू द रो माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन माइनस आर टू द पावर वन माइनस गामा इंटू बीटा रो टू द पावर गामा माइनस वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन गामा माइनस वन इंटू आर माइनस वन। ये है आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर का छोटा सा फॉर्मूला और छोटा सा डेरिवेशन, है ना, बहुत छोटा छोटा है सब, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कुछ कठिनाई नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये है हमारा ये, तो इसमें कुछ नोट वाले पॉइंट है वो भी लिखा दिया जाए ना, ये आपका हो गया, कुछ नोट वाले पॉइंट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, हम लोगों को पता है वो वाला एफिशिएंसी का फॉर्मूला है कि प्रेशर रेशियो वन था, सॉरी, तो वो फॉर्मूला हम लोग का था, अब इसको भी लिख लिया जाए, ये हो गया इधर का मिटा के इसको भी लिख लिया जाए, तो जगह होगा बना लिया जाए, ये हो गया मीन का, और यहाँ पे एफिशिएंसी लिखा जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा और उस पर हम लोग थोड़ा बहुत नोट्स देख लेंगे। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है आपका ड्यूअल की एफिशिएंसी वन माइनस वन अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस वन इंटू बीटा रो टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन बीटा माइनस वन प्लस बीटा गामा रो माइनस वन। ठीक है,
ये है फार्मूला, इसको भी घेर दिया जाए रेड से। तो ये दोनों फार्मूला हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिराइव नहीं किया, उस महान लोगों ने किया, हम लोग केवल छाप दिए हैं। तो ये डेरिवेशन हुआ, तो इसमें हम लोग कुछ देखेंगे। सबसे पहला तो एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आर जो है वो है कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, और बीटा जो है वो क्या है, बीटा है आपका प्रेशर रेशियो, और फार्मूला नहीं लिखूँगा। रो क्या है, कट ऑफ रेशियो, केवल नाम देखिए क्योंकि फार्मूला बताया जा चुका है, इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देंगे, दो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन देखेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर प्रेशर रेशियो 1 हो जाता है इसमें, इफ़ पहला पॉइंट है, इफ़ प्रेशर रेशियो बिकम्स 1, यानी बीटा को 1 कर दिया जाता है, तो बीटा 1 कर दिया गया तो 1-1 0 प्लस ये बीटा टू द पावर, बीटा इंटू गामा टू द पावर इंटू रो माइनस 1, और तो क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा डुअल साइकिल बिकम्स ऑटो साइकिल। तो ये बन जाएगा आपका कंप्रेशन रेशियो, प्रेशर रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। तो ये आपका बन जाएगा डुअल साइकिल, डुअल साइकिल जो होता है वो बन जाएगा आपका ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, इफ़ रो इज इक्वल टू 1, इफ़ बीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, ये बीटा इज इक्वल टू 1 है और रो इज इक्वल टू 1 हो गया तो डुअल साइकिल बिकम्स डीजल साइकिल। तो डुअल साइकिल क्या बन जाएगा, डीजल साइकिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आर टू द पावर बीटा इज इक्वल टू 1 बीटा, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो यही है हमारा आज का डेरिवेशन वेशन सब कुछ, रात के लगभग 10:15 हो गए होंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और बाकी हम लोग कल प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कल करने का कुछ सब करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसी तरह। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, जय हिंद, थैंक यू। और जाने से पहले एक जरूरी सूचना, सूचना ये कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब वाला, वो दबा दीजिए, फिर उसके बाद एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा वो दबा दीजिए, और उसके बाद लाइक दबा दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू।